Assalamualaikum. आप दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सोनिया, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई है। तुम कहती हो तो मैं कान पकड़ लेता हूं। पूरी रात अब कान भी पकड़े रहो, तभी जाके मैं माफ करूंगी। कितना शौक है ना तुम्हें मुझे कान पकड़वाने का। और जो रात से मैंने कुछ नहीं खाया उसका क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हाथ से खाना खिला दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम कान पकड़े रहना। क्या? अगर ये कंडीशन है तो मैं कान पकड़ने को बिल्कुल तैयार हूं। मैं कान पकड़ के सिर्फ तुम्हें देखते रहूंगा। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, तुमने भी नाश्ता नहीं किया होगा, भूख लगी होगी, कहीं नाश्ता करें चलकर? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है और मुझे पप्पू को सॉरी भी कहना है और उनके हाथ से खाना भी खाना है, क्योंकि उनके हाथ का खाना किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। You mean it? I do. I love you, Sonia. I love you too. प्लीज आइंदा ऐसे नहीं करना। नहीं होगा बिल्कुल भी। जुगनू, प्लीज एक कप चाय बना दो, अभी मेरा कुछ काम रहता है। हाँ अभी बना देती हूँ। आ जाए। ये लो बेटा, चाय दे दो। मैंने देखा तुम काम कर रहे हो, सोचा चाय ले आती हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? मैंने बस अभी जुगनू से कहा है, ये बना लेती ना। सारे दिन काम करती है, बैठने का मौका कहाँ मिलता है ऐसे? आराम करने तो मैंने बना दी तो क्या हुआ? अगर चाय बनानी ही थी तो आप राबिया से कह देती, वो बना लेती। अच्छा थोड़ी लगता है आप काम करती हैं इस तरह। राबिया तो खुद ही कह रही थी, लेकिन तुम्हें पता है ना उसके इम्तिहान हो रहे हैं। मैंने कहा कि रहने दो, अगर मैंने थोड़ा सा काम कर लिया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई। अब बेटे तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दो। नहीं थैंक यू, मुझे अभी तलब नहीं, तलब होगी तो खुद बना लूंगी। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। थैंक यू अम्मी, चाय बहुत अच्छी है।
देख रहे हो ये जो एक हफ्ते से तमाशे चल रहे हैं इस घर में। कौन से तमाशे? याद नहीं है राबिया ने जो कहा था कि मैं तुम्हारे दूध में कुछ मिला रही थी, भूल गए हो? झुकनू क्या हो गया है तुम्हें? राबिया तो बच्ची है, पागल है, कुछ भी कहती रहती है, इग्नोर करो। वो पागल होगी लेकिन मैं पागल नहीं। इस घर में मेरे साथ जो सलूक हो रहा है ना, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। झुकनू ऑनेस्टली मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे गुस्से की असल वजह क्या है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? इस घर में उस दिन से तुम्हारे खाने पीने के जितने भी काम है ना, या तुम्हारी माँ कर रही है या तुम्हारी बहन कर रही है। ऐसे जैसे खुदा ना खास्ता मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला। जिस घर में बीवी पर शक किया जाए ना, उस घर में तो मैं वैसे ही नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। मैं सामान पैक करती हूँ अभी। जुगनू एक मिनट कॉल बैक करता हूँ। हमजा क्या करंट लगी है? तुम ठीक तो हो सोनिया? दिखाओ। ठीक हूँ मैं, इतनी जोर का करंट लगा है मुझे फ्रिज से। मैं देखता हूँ जाके। एक मिनट रुके, आपको भी करंट लग जाएगा। उस फ्रिज को रिपेयर होने की जरूरत है। बल्कि मैंने ब्रांड देखा है उसका, अब उस ब्रांड के तो फ्रिज आते भी नहीं। नया फ्रिज ले लें प्लीज हमजा। कहा था ना मुरम्मत करवा लो, जल्दी करवा लेना। पानी भी ठंडा नहीं करता। नहीं नहीं पप्पो, वो रिपेयर नहीं हो सकता, नया ही फ्रिज लेना होगा। अच्छा फिर एक हफ्ता दो मुझे, सैलरी आ लेने दो, फिर मैं फ्रिज ले लूंगा। अब फ्रिज के लिए भी आप सैलरी का वेट करेंगे? दिस इज वेरी स्कैरी, प्लीज कुछ और इंतजाम करना और जल्दी से करवाए। अच्छा मैं देखता हूं, कुछ करता हूं मैं। हमजा तुम इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करोगे? मेरे पास 3 जोड़ियां सोने की, भेजकर फ्रिज ले लो। क्या हो गया पप्पू? अब फ्रिज के लिए आप अपना जेवर बेचेंगी? आजकल इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाते हैं, परेशान ना हो। फिर ना उधर चली गई, मैं देखता हूँ।